मासूम है ना हमारी बिटिया, इतनी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती है, कभी अपनी माँ के लिए, कभी हमारा की दाई के लिए, कभी उस सिकंदर जी के लिए। अब क्या करें भैया जी? करना क्या है, बिटिया का ध्यान हटाना होगा इन बातों से। पर कैसे? बाप उतारना है। जी जी की करा? अगर बाप उतारना है तो कुछ ऐसा करना होगा कि बाप खुश हो जाए। मैं आपको गुदगुदी करा? अगर आप चाहती हैं कि हम खुश हो जाएं, तो आपको हमारे लिए ये प्रतियोगिता जीतनी होगी। जब हमारी नन्ही सी गुड़िया अपने इन हाथों में वो बड़ी सी ट्रॉफी लेकर हमारे घर में आएगी ना, तो हमारा सीना गर्व से ऐसे चौड़ा हो जाएगा। वो तो बहुत बड़ी है, और मैंने वो वाले खेल कभी खेले भी नहीं। वो तो अमीरी जी जीत जाएंगी। कैसे कैसे अमीरी जी जीत जाएंगी? हमें ना, हम सिखाएंगे आपको। अगर आप खुश हो जाएंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये बात तो चलो दिखा दे दुनिया को कि आप बल्ले बल्ले तेवर की बिटिया हो। दे ताली। पाजी, जिस दिन कुल्फी घर से विदा हो रही थी ना, नहीं, मैं जब कुल्फी को खुद से दूर कर रहा था तो मेरा दिल बार बार कह रहा था सिक्के मत कर, सिक्के सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, मत कर। एक ना सुनी दिल की उस वक्त। और आज जब मेरे को पता चल गया पाजी कि मेरी वजह से वो किसी ढोंगी अजनबी को अपना बाबा मान रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है पाजी। मेरा मन कर रहा है कि जाऊं और उसको लेकर आ जाऊं यहाँ पर अपने पास। नहीं सीखे, हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है यार, तो अभी तो कुछ ऐसा नहीं कर सकता। वही तो दिक्कत है पाजी, कोई सबूत नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, क्या करें यार? देख, अभी कोई रास्ता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई रास्ता मिलेगा नहीं। सीखे एक बात बता, तूने तो तेवर से कई बार बात की होगी, अच्छे से सोच के बताना, उसने कभी बातों बातों में तेरे को कुछ बोला ऐसी कोई बात? बाजी उतने ना जद भी गलोई सी मेरी कहा यहां बाहर बैठे थे, जब भी हुई तो अपने बारे में यही बताया उसने कि किसी ने उसका दिल तोड़ा है और उसकी वजह से अब हार्ट ब्रेक हुआ है, उसकी वजह से वो सिंगर बनने पे मजबूर हुआ। पाजी मिल गया, पाजी मिल गया। क्या मिल गया? रास्ता पाजी, रास्ता। सीखे क्या 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 रास्ता मिल गया यार, मुझे बताना। पाजी रास्ता ये है, तेवर ने मुझे अपनी पहली सीडी भेजी थी, फ्लॉप थी, इसने कहा था सुन लेना, क्या पता वो पुराने गाने सुन के उसके उसके अतीत के बारे में पता लग जाए कुछ। आज उठे देखो ना आप। हाँ, मैं उधर देखता हूँ, रुक जा। गई पाजी सीडी, देखो ना पाजी कहीं। मैं देखा यार, नहीं मिल रही यार। पाजी पढ़ो ना पाजी, सारे गाने पढ़ो ना। ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड पाजी, हो सकता है वही लड़की हो जिसने उसका दिल दिखाया हो, यानी
तेवर के हिसाब से कुल्फी की माँ। किस्मत में था शायद ये दिल तो कोना ही था, नाम ही तेरा लव था प्यार तो। किस्मत में था शायद ये दिल तो कोना ही था, नाम ही तेरा लव था प्यार तो। लव का प्यार हो, तेवर की पहली गर्लफ्रेंड का नाम लव। मार्बल इन स्पून रेस जी, मतलब चम्मच कंचे के साथ दौड़। मतलब चम्मच और कंचा एक दूसरे से दौड़ लगाएंगे। अकड़। हाँ, पकड़ो ये कंचा। इस कंचे को आप इसके ऊपर रख दो। अब इसी तरह चम्मच को आपको मुंह में पकड़ के इस ओर से उस ओर तक जाना है। एक बार करके देखिए। अच्छा, चलो। इतना आसान भी नहीं है बिटिया। जीतने के लिए आपको बैलेंस बना के चलना होगा। क्या बना के चलना पड़ता है? संतुलन। हम दिखाते हैं। संतुलन। हाँ तो ठीक है ना, एक बार में थोड़ी हो जाता है। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। जी, क्या करने की जरूरत पड़ती है? अभ्यास। अभ्यास। तो चलो साथ में अभ्यास करते हैं। अब जाओ, जाओ। क्या सोच रहा है? यही कि हमारी बिटिया हमें बाबा कब कहेगी। गलत मत समझना मास्टर, खुश तो हम इसके होने से ही हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन हमारी बिटिया ने हमें बाबा कहा ना, पगला जाएंगे। सिक्के, वो लड़की बंगलों में रहती थी, लेकिन उससे क्या यार, मुंबई में तो लाखों बंगले हैं, हजारों लड़के लड़कियां रोज समंदर के किनारे मिलने जाते हैं, समोसा खाते हैं, चाय पीते हैं, ऐसे कैसे ढूंढ पाएंगे यार? यार हमारा काम तो हुआ नहीं, ऊपर से ये घटिया सा संगीत और सुनने को मिल गया कि हमारा तीर निशाने से बहुत दूर लग गया यार। शान से पीती थी तू ईरान की शान की चाय, शान से पीती थी तू ईरान की शान की चाय। अरे सर, आप एक बार एक कॉफी पीके तो देखिए, ईरान की शान को ही भूल जाएंगे। एक मिनट,
तूने अभी कभी क्या बोला? ईरान की चाय, ईरान की शान, ईरान की शान से क्या जानता है ईरान की शान के बारे में? हाँ साहब, एक पुराना पारसी होटल है ना, कहाँ है? वहाँ आईपी कॉलेज के पास, वहाँ बहुत अच्छी ईरानी चाय मिलती है। और थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जिंदे रह तू, कमाल कर देता, मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया पाजी। थैंक यू भाई, थैंक यू। पारसी कैफे पाजी, मतलब तेवर अपनी गर्लफ्रेंड को उस पारसी कैफे में लेके जाता हो, क्या पता? हो सकता है शिकेब, एकदम हो सकता है। उसके पास एक जगह है जहाँ पे अक्सर लड़का लड़की आपस में मिलने जाते हैं। हो सकता है शायद उस जगह को मजनू का टीला कहते, जो 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 ये गीत गीत के बोलों में लिखा हुआ। अजी तीन निशानों से इतना दूर भी नहीं लगा है। तो बिल्कुल ठीक कह रहा शिकेब, उड़े गया उड़े आया। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? लवली बहुत बड़ी गुत्थी सॉल्व होने वाली है। मैं और पाजी बस सोच ही रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि तेवर के बारे में कैसे पता लगाएं, और रद्दी मेर हो गई। इतना बढ़िया सुराग मिला है ना, मैं बस हूं जाकर ना हूं आता हूँ। क्यों है? पता है मायरा कहाँ है? मायरा फिर से उस कुल्फी के पीछे भाग रहे हो और अपनी बेटी को अवॉइड कर रहे हो, उसका दिल तोड़ रहे हो, उसकी प्रॉमिस ब्रेक कर रहे हो। अगेन सिकंदर, उसका कोई कंपटीशन है अभी, तुम जानते हो कि, और अगर उसे वहां अपने डैडा नहीं दिखे, इफ यू आर नॉट देयर चीयरिंग हर सिकंदर, उसे कैसा लगेगा? क्यों कर रहे हो सिकंदर? क्या तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं अभी जाके तैयार होता हूँ और चलते हैं पंडाल में। आज तो तुमने उसको रोक दिया लवली, लेकिन ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी तुम। जितना सिक्के को सच की तलाश है ना लवली, उतना ही सच सिक्के को ढूंढ रहा है। जब जो होगा ना भाई साहब, मैं तब संभाल लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। आंखें खुली रखना लवली, ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुमको। जब से लाइफ में आई हो ना, कुछ अच्छा नहीं बचा, नहीं खाना मुझे।